हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब दुश्मन देशों की खैर नहीं, भारत घर में घुसकर फोड़ेगा ये स्वदेशी बम। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर कौन सा ऐसा बम भारत ने निर्माण किया है, वो भी दोस्तों घरेलू स्तर पर, और इसकी ताकत जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, चाइना पाकिस्तान की बिल्कुल खैर नहीं। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे, जहां भारी बर्फबारी में भारतीय सेना के जवानों का पराक्रम देख दंग हुआ अमेरिकी सैनिक। जी हां दोस्तों, दिखाएंगे आपको कैसे चौंकते नजर आ रहे हैं अमेरिकी सैनिक भारतीय सेनाओं के दमखम को देखकर। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको उससे आगे बताएंगे, जहां पर तहरीके लब्बैक और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष के हालात है। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री ने बड़ी चेतावनी दी है, बताएंगे आखिर पूरी खबर क्या है ये। साथ ही आपको आगे बताएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से G20 समिट में पूछा, नरेंद्र भाई केम छो, बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश मिशन पर अमित शाह पहुंचे कल लखनऊ में, बोले 2024 में मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2022 में इस को मुख्यमंत्री बनाना बेहद जरूरी। बताएंगे दोस्तों अमित शाह जी किसको मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर जनरल जानकारी आपको देंगे दोस्तों, जहां अगर किसी की मृत्यु हो जाए उसके बाद उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड का क्या करना चाहिए, ये आप सभी को जानना जरूरी है, वरना हो सकती है परेशानी। क्यों दोस्तों, ये बात आपको खबर में पता लगेगी। साथ ही क्या होती है ट्रेन टिकट पर लगने वाली कन्वीनियंस फीस, जिसके जरिए 200 करोड़ कमाने में डूब गए 18,000 करोड़। तो दोस्तों हर तरह की बड़ी जानकारी आपको आज देने वाले हैं, इसीलिए जुड़े रहिएगा खबर के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी हर चीज संभव है दोस्तों, और अपने भारतीय सेना में वो शौर्य ताकत बल क्षमता पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है। और अगर आपको भारतीय होने पर पूरे तरीके से गर्व है दोस्तों, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अब दुश्मन देशों की खैर नहीं, भारत घर में घुसकर फोड़ेगा ये स्वदेशी बम। जी हां दोस्तों, अब भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान चाइना की खैर नहीं है दोस्तों, भारत ने एक शक्तिशाली स्वदेशी लॉन्ग रेंज वाला बम बनाया है, जिसे भारतीय सेना दुश्मन देशों में घुसकर फोड़ने वाला है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने संयुक्त रूप से बम का सफलता पूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के बम को हवा से नीचे फेंका गया है, जो कि सफल रहा है दोस्तों। इस बम का नाम लॉन्ग रेंज बम रखा गया है। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि भारत इससे पहले बुधवार को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के परमाणु सक्षम सतह से सतह पर 5000 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मिसाइल जो 3 चरणों वाले ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग करती है, बहु उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक दूरी पर लक्ष्य हो भेदने में सक्षम है। बड़ी खबर दोस्तों, बड़ी जानकारी भारत सरकार की तरफ से दोस्तों हमने आपको दी है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर भारी बर्फबारी में भारतीय सेना के जवानों का पराक्रम देख दंग हुए अमेरिकी सैनिक। जी हां दोस्तों, चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत और अमेरिका सैन्य भागीदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी बीच अमेरिका के अलास्का में जॉइंट बेस अल्मेडोस रिचर्डसन पर आज युद्ध अभ्यास 2021 नाम से जारी मिलिट्री एक्सरसाइज का समापन हुआ है। 15 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध अभ्यास नाम की एक्सरसाइज में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के जवानों ने भीषण बर्फबारी के बीच अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग है। ये युद्धाभ्यास का 17वां संस्करण है, जिसे एक साल अमेरिका तो दूसरी साल भारत में आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण फरवरी 2021 में राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था, आप सभी को याद होगा दोस्तों। आपको बता दें कि ये युद्धाभ्यास ऐसा रहा दोस्तों कि भारी बर्फबारी में भी हमारी भारतीय सेना पीछे नहीं हटी दोस्तों, इवन अमेरिकी सेनाओं से भी आगे हमारी भारतीय सेना रह करके भारी बर्फबारी में दिखा दिया है कि भारतीय सेनाओं में क्या दम और ताकत है। जी हां दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी कहना मत भूलिएगा दोस्तों इस परीक्षण के लिए। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर तहरीके लब्बैक और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष के हालात, गृह मंत्री ने दी चेतावनी। बता दें, पाकिस्तान के गृह मंत्री
शेख राशिद अहमद ने प्रतिबंधित तहरीके लबैक पाकिस्तान यानी TLP से सरकार के साथ किए वादों पर कायम रहने का आह्वान किया है। रशीद ने साथ में ये चेतावनी दी है कि अगर समूह ऐसा करने में विफल रहा तो चीजें उनके हाथ से बाहर चली जाएंगी। मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार समूह को इस्लामाबाद में प्रवेश करने से रोकेगी। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल के दिनों में समूह के प्रमुख साद हुसैन रिजवी सहित TLP नेतृत्व से कई बार बातचीत की थी और शुक्रवार और शनिवार को फिर से उनसे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर G20 समिट से जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से महिला ने पूछा, नरेंद्र भाई केम छो? प्रधानमंत्री ने भी दिया गुजराती में जवाब। बता दे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार को इटली की राजधानी रोम में पहुंचे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्याजा गांधी में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। PM मोदी ने भी लोगों के पास जाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्याजा गांधी में लोगों ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया। इस दौरान एक ग्रुप ने PM नरेंद्र मोदी जी से गुजराती में बात भी की। जी हाँ दोस्तों, प्याजी गांधी में प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन पर महिलाओं के एक ग्रुप ने संस्कृत में श्लोकों का पाठ भी किया। इस दौरान PM मोदी भी हाथ जोड़कर उनके साथ ओम नमः शिवाय दोहराया। भीड़ ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इसी बीच एक महिला ने चिल्लाते हुए कहा, नरेंद्र भाई केम छो? इस पर PM मोदी ने भी जवाब देते हुए कहा, माजा माछो। PM मोदी से एक आदमी ने गुजराती में बताया कि वो योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए रोम में काम कर रहा है, तो वहीं PM मोदी ने भी अपनी मातृभाषा में उसका जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में रोम के इस यात्रा और आगे आने वाले यात्राओं के लिए दोस्तों मोदी जी को हैप्पी जर्नी जरूर कहिएगा दोस्तों उनके सफल यात्रा के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ भारतीय सेना की बड़ी जीत। 39 महिला अफसरों की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिला अस्थाई कमीशन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने कल 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतने के बाद सेना की 39 महिला अफसरों को इसी महीने 22 अक्टूबर को स्थायी कमीशन मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने सेना से उन्हें 1 नवंबर तक स्थायी कमीशन देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि 7 कार्य दिवसों के भीतर इन महिला अफसरों को नई सेवा का दर्जा दिया जाए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको साथ ही बता दें, स्थायी कमीशन का अर्थ सेना में रिटायरमेंट तक करियर है, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर G20 समिट के लिए भी चीन से बाहर नहीं जाएंगे जिनपिंग। 650 दिनों से विदेश नहीं गए हैं। जी हाँ, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली ही भाग लेंगे। रिपोर्ट ये बताती है कि जिनपिंग चीन में रहकर कोरोना वायरस पर फोकस करना चाहते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय हुआ चुनिंग ने कहा है कि विदेश मंत्री वांग ही व्यक्तिगत रूप से रोम में शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, लेकिन जिनपिंग रोम में होने बैठक में वर्चुअल ही महत्वपूर्ण भाषण देंगे। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन सहित कई देश के नेता शामिल होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर अपनी दुश्मनी के बीच भारत को ले आए ईरान और इसराइल। दिल्ली में ही छिड़ गया संग्राम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत में इसराइल के नए दूत नावर गिलोन ईरान और इसराइल की दुश्मनी के बीच में भारत को लेकर आ गए। उन्होंने गुरुवार को नए क्वाड समूह के सदस्यों इसराइल, भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात को लेकर बात करते हुए कहा है कि ये किसी एक देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन सभी देशों के साथ आने का कारण ईरान द्वारा फैलाई जा रही अस्थिरता है। उन्होंने कहा कि हम किसी एक देश के खिलाफ नहीं है, हम डिप्लोमेट्स हैं और राजनेता भी हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं। मेरा मानना है कि आर्थिक बुनियादी और सहयोग के स्तर पर इन देशों के गठबंधन में काफी संभावनाएं हैं। खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंधों के बेहतर और खुला होने का एक बड़ा कारण ईरान को लेकर भय और साझा चिंता भी है। ईरान इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश है। ये देश यमन से लेकर लेबनान और इराक से लेकर सीरिया और बहरीन हर जगह अस्थिरता पैदा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जिस प्रकार से इसराइल के इस नए दूत नावर गिलोन ने ईरान और इसराइल की
दुश्मनी के बीच भारत को लेकर आ गए दोस्तों, जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। लेकिन जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर बांग्लादेश हिंसा के बीच हसीना सरकार की बड़ी सफाई, कहां एक भी मंदिर नहीं तोड़ा गया, अधिक मुस्लिम ही उल्टा मारे गए। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश सरकार ने हाल में हुए सांप्रदायिक झड़पों को लेकर कहा है कि इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई है, मरने वालों में 4 मुस्लिम और 2 हिंदू है। कई जगह इसे मरने वालों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है, जो कि गलत है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने कहा है कि किसी के साथ बलात्कार नहीं हुआ और एक भी मंदिर को नष्ट नहीं किया गया। देखा दोस्तों आपने कैसे बांग्लादेश से दोस्तों पिक्चर फोटो सब आ रही है कि कैसे देवी देवताओं के मंदिर को और उनको भी तोड़ा गया है। ऐसे में बांग्लादेश सरकार का ये बचाव करना दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि झूठ फैलाना बिल्कुल गलत है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश की सरकार अपनी कारनामों को बचा रही है दोस्तों, आप ये राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर अमेरिका सऊदी अरब और चीन के इस ऐलान से बढ़ेगी अब भारत की मुश्किल। जी हां दोस्तों बता दे क्या है खबर, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है दोस्तों। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और ब्रिटेन समेत तमाम देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती कर नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य तक पहुंचने की समय सीमा का ऐलान कर चुके हैं। अब भारत पर भी ऐसा करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। नेट जीरो एमिशन का मतलब है कि सभी देश पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उतना ही उत्सर्जन करें जितना वे जंगल बढ़ाकर या अन्य तरीकों से कम कर सके। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्या होगी आपकी राय इस पर बताइएगा जरूर। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहाँ ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बढ़ गया है विवाद। दरअसल ब्रेक्सिट के बाद मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। फ्रांस ने जवाबी कदम उठाने की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद ब्रिटेन ने फ्रांस के राजदूत को बुलावा भेजा है। ब्रिटेन द्वारा फ्रांस के राजदूत को बुलावा भेजने के एक दिन पहले ही फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉन कैस्टेक्स ने विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर RSS की तीखी प्रतिक्रिया, कहा अल्पसंख्यकों को खदेड़ने की ये साजिश है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों और धार्मिक स्थलों पर हुए हमला को लेकर RSS ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि ये हमले एक साजिश का हिस्सा थे ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को वहां से खदेड़ा जा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में RSS समुदाय की तरफ से दोस्तों इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इस बयान का समर्थन करते हैं, क्या आपको भी यही लगता है दोस्तों, जो RSS के प्रमुखों को लगता है बताइएगा जरूर। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां चीन बंद करेगा फड़फड़ाना, भारत ने बॉर्डर पर भेजे अल्ट्रा मॉडर्न हथियार, ये चीजें साबित होंगी गेम चेंजर। जी हाँ दोस्तों, चीन के जारी सीमा विवाद को लेकर भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई अमेरिकी हथियारों की तैनाती कर डाली है। चिनूक हेलीकॉप्टर अल्ट्रा लाइट, होड हेलीकॉप्टर और राइफल्स के साथ ही भारत में बने सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल और अल्ट्रा मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम बॉर्डर पर लगा दिए गए हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में कहा है कि माउंटेन स्ट्राइक कोर पूरी तरह से चालू है, कॉम्बैट और कॉम्बैट सपोर्ट यूनिट सहित सभी यूनिट पूरी तरीके से तैयार है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने सेना की एक बड़ी टुकड़ी को अरुणाचल प्रदेश में भेजा है। पिछले एक साल में कम से कम 30,000 से भी ज्यादा सैनिकों को अरुणाचल में तैनात कर दिया गया है। केंद्र सरकार 1962 की फिर से नहीं होने देना चाहती है, जब चीन ने तवांग जैसे क्षेत्र में अपना नियंत्रण कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ भारत और अमेरिका की तालिबान को दो टुक कहा आतंकवादियों के लिए पनाह गाह ना बने। जी हाँ दोस्तों, दोनों पक्षों यानी अमेरिका और भारत ने मिलकर तालिबान से कहा है कि ये सुनिश्चित करे कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकवादी पनाहगाह के रूप में ना कर पाए। संयुक्त वक्तव्य के मुताबिक दोनों पक्षों ने छन आतंकवादियों का इस्तेमाल और सीमा पार आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की और मुंबई में हुए 26/11 आतंकवादी हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग की है। मुंबई में 2008 को हुए भयावह आतंकवादी हमले में 166 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत ने पाकिस्तान की बिना इजाजत लिए कर दिया ये काम, जिसके बाद मच गया भारी हंगामा। जी हाँ
होगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और यूएई के शारजाह के बीच सीधी उड़ान शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही विवाद सामने आ गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 23 अक्टूबर को श्रीनगर शारजाह फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि भारतीय एयरलाइन ने कई बार पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रवेश करने की इजाजत भी नहीं ली गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पूरा पाकिस्तान बौखला उठा है दोस्तों। इस पर भारत को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस प्रकार से बिना पूछे पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है भारत के अंदर में दोस्तों, ऐसे में क्या इससे बड़ी गलती की है भारत ने, बताइएगा जरूर दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर ड्रैगन को राहत नहीं देगा अमेरिका, ताइवान से दोस्ती बढ़ाकर उसको चिढ़ाने की है तैयारी। जी हाँ, बीते कुछ दिनों से ताइवान के मसले पर अमेरिका की चीन से तनातनी चल रही है। इसके बाद भी अमेरिका इस मसले पर चीन को कोई राहत देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। अमेरिका के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा है कि उनका देश ताइवान से अपने रिश्तों को और मजबूत करेगा। चीन से अमेरिकी कि इस स्वायत्त द्वीप को लेकर तनातनी चल रही है। पिछले दिनों अमेरिका ने कहा था कि यदि चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो वो उसकी ओर से खड़ा रहेगा। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका को संभल कर चलने की सलाह भी दी थी। जी हाँ दोस्तों, बात कर अगली बड़ी खबर की, जहाँ पर WHO ने कहा कि हमें भारतीय उद्योग पर पूरा भरोसा, नियमित तौर पर डेटा जमा कर रहा है भारत बायोटेक। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा है कि हमें भारतीय उद्योग पर पूरा भरोसा है जो उच्च गुणवत्ता के टीकों का निर्माण करता है। अधिकारी ने कहा कि भारत बायोटेक कोवैक्सीन टीके को आपात उपयोग के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति पर एक तकनीकी समिति के पास नियमित रूप से और तेजी से डेटा जमा कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसे लेकर समिति अगले सप्ताह तक अपनी अंतिम सिफारिश WHO को भेज सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर अगली बड़ी खबर की, जहाँ पर गूगल की बड़ी कार्रवाई, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। बता दें, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एप्लीकेशन अच्छी बातें को गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया। एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासे के बाद गूगल ने यह कार्रवाई की है। एप्लीकेशन हटाए जाने तक इसे 5000 से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। एप्लीकेशन के तार सीधे तौर पर जैश सरगना मसूद अजहर से जुड़े हुए थे। एप्लीकेशन के डेवलपर ने एक ब्लॉग पेज भी बनाया था जो एप्लीकेशन के विवरण वाले पेज से हाइपर लिंक था। इस पेज पर दो बाहरी पेज भी हाइपर लिंक थे, जिसमे मसूद अजहर के संदेश वाले वीडियो और उसके छोटे भाई अब्दुल रौफ असगर और करीबी तलवा सैफ की रिकॉर्डिंग भी मौजूद थी। ऐसे में दोस्तों, बड़ी जानकारी बड़ी खबर, बात करेंगे अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश मिशन पर अमित शाह जी हैं दोस्तों। लखनऊ में कहा 2024 में मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2022 में योगी जरूरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को 2024 में फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना ही होगा। अमित शाह ने कहा कि यूपी का विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत की नींव डालेगा। उन्होंने प्रदेश की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ते हुए विश्वास दिलाया कि एक बार फिर भाजपा को 300 से अधिक सीटें जिताकर योगी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, यूपी को देश का नंबर एक राज्य बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है दोस्तों आपको अमित शाह जी के बयान के बाद, आपकी क्या राय सुझाव होगी बताइएगा जरूर। साथ ही आपको बता दें, अमित शाह जी ने अखिलेश यादव से मांगा हिसाब, साधा डायरेक्ट निशाना, पूछा पिछले 5 साल में आप विदेश में कितने दिन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान का आगाज करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल, इस बीच सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव से हिसाब मांगा। उन्होंने कहा कि मैं एक हिसाब अखिलेश यादव से मांग रहा हूँ कि पिछले 5 साल में आप विदेश में कितने दिन रहे हैं, इसका हिसाब लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए, प्रदेश में कोरोना और बाढ़ आई आप कहाँ थे, इसका हिसाब दे दीजिए। अमित शाह ने कहा कि सबसे बड़ा काम अगर योगी आदित्यनाथ ने किया है तो वो प्रदेश को माफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, बात कर अगली बड़ी खबर की, तो आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया किन किन पटाखों पर होगा बैन। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल ये साफ कर दिया है कि पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ बेरियम साल्ट वाले पटाखे प्रतिबंधित हैं। सर्वोच्च अदालत
अदालत ने ये भी साफ साफ कहा है कि उत्सव की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है, क्योंकि दूसरों के स्वास्थ्य की कीमत पर उत्सव नहीं मनाया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पटाखों के लेकर फैसलों को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। और इस दिवाली कितने भाई बहन अपने आप को पटाखों से दूर रखने वाले हैं दोस्तों, और कितने हैं जो पटाखे अवश्य फोड़ेंगे बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या विचार रखती है हमारी भारत की जनता, तो कमेंट करना मत भूलिएगा इस मुद्दे को लेकर। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां मध्य प्रदेश सीएम बोले, कहा खाद को ब्लैक करने वालों पर लगाएंगे रासुका। जी हाँ दोस्तों, साथ में भेजेंगे जेल। जी हाँ अगली खबर की बात करें तो दिल्ली में शादी और अंतिम संस्कार में अब शामिल हो सकेंगे 200 लोग, 100% सीटिंग क्षमता के साथ थिएटर। छठ पूजा के लिए भी नियम जारी कर दिया गया है दोस्तों। कोरोना के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने भीड़ वाले आयोजनों को लेकर छूट बढ़ा दी है। अब शादी समारोह, अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 1 नवंबर से अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 100% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। दिल्ली में छठ पूजा आयोजन के लिए भी DDMA ने औपचारिक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक यमुना नदी के किनारे पर छठ पूजा के लिए कोई साइट नहीं बनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पर किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड का क्या करना चाहिए दोस्तों, आप लोग जान लीजिए वरना हो सकती है परेशानी। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करने के लिए पैन कार्ड ही सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। ऐसे में बैंक अकाउंट से लेकर डीमैट या डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट समेत सभी जगहों पर पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि जब तक इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेस पूरा ना हो जाए इसे संभाल कर रखें, और जैसे ही मृतक का टैक्स रिटर्न का रिफंड अकाउंट में आ जाएगा, साथ ही डिपार्टमेंट का पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, आप अकाउंट को बंद करने के लिए आयकर विभाग को ये सौंप सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी ही विभाग को ये सौंप सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पैन कार्ड को सरेंडर करने से पहले आपको ये सारे काम निपटाने होंगे। कौन से काम? मृतक के सभी खातों को किसी दूसरे शख्स के नाम पर ट्रांसफर कराना पड़ेगा या फिर इसे बंद कराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर बात करें आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड आपको एक प्रूफ की तरफ अपनी पास रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसके आधार कार्ड को आपको अपने पास ही रखना पड़ेगा भविष्य में किसी भी प्रकार के लाभ को प्राप्त करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ क्या होती है ट्रेन टिकट पर लगने वाली कन्वीनियंस फीस, जिसके जरिए 200 करोड़ कमाने में डूब गए 18,000 करोड़ रुपए। दरअसल जब आप ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए IRCTC की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपसे किराए के अलावा एक रकम कन्वीनियंस फीस के रूप में दिया जाता है। ये राशि 50 रूपए तक की होती है। इसमें ये राशि मामूली लगती है, लेकिन IRCTC की साइट पर रोज लाखों टिकट कटते हैं। इससे IRCTC को करोड़ों की आमदनी होती है। टिकट कैंसिल कराने पर भी ये राशि वापस नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, और इसी राशि से IRCTC की कमाई भी होती है दोस्तों, और यही है कन्वीनियंस फीस। अब आपको बता दे, 200 करोड़ रुपए कमाने में डूब गए 18,000 करोड़ क्यों? क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार की सुबह जब शेयर बाजार खुला तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्प का शेयर 25% गिरकर 685.35 रुपए के भाव पर आ गया, और इस गिरावट से कंपनी की मार्केट कैप को 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो वहीं कन्वीनियंस फीस से सरकार को कुल 150 से 200 करोड़ रुपए की आमदनी होनी थी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में हमें आशा है कि आपको ये खबर समझ में आया होगा दोस्तों, और अच्छा लगा होगा। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।